की होली वैसे ही मशहूर कही जाती है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी लखनऊ के चौक चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में होली खेलने के लिए लोग उपस्थित हो चुके हैं। हम आपको इस काम के सहयोगी से कहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि मंच पर हमारे डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, नगर विकास मंत्री गोपाल टंडन जी, विधायक नीरज बोरा जी, साथ ही महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ साथ पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव और चौक के सभासद के साथ साथ चौक के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं वो सब लोग उपस्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चौक की एक ऐतिहासिक होली हमेशा कही गई, यहाँ पर ये 110 वर्ष पुरानी परंपरा है जो लगातार 110 वर्षों से निरंतर जुलूस निकाल करके यहाँ पर उत्साह बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर चौक पर एक ऐतिहासिक देखा गया है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब के साथ यहाँ पर लोगों को एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी जाती है और साथ ही साथ होली की शुभकामनाएँ दी जा सकती है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से जुलूस है, लोगों में भारी उत्साह है, लोगों में एक दूसरे को रंग लगा करके लोगों को बधाई दी जा रही है। वहीं और भी लोग हमारे उपस्थित, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर इस बार किस तरह के आप उत्सव मना रहे हैं होली। बहुत ही रंगारंग होली चल रही है और बहुत ही खुशी का पर्व है और बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा, इस बार होली में देखा गया किस तरह का रंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा गुलाल और हर्बल गुलाल का ही यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल, हर्बल गुलाल बहुत ही ज़रूरी है जिससे किसी की भी स्किन ख़राब ना हो, किसी का भी कोई इफेक्ट ना हो। ये सरकार भी लगातार निवेदन कर रही थी कि आप लोग हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें जिससे लोग। कैमरा पर्सन वकार के साथ हिमांशु का न्यूज़ फॉर इंडिया लखनऊ।